हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आ गया हूँ आज फिर से एक नई वीडियो लेकर, और इस वीडियो में कुछ बड़ी अपडेट्स मैं आपको नुहू हिंसा के ऊपर बताने जा रहा हूँ, जो कि अभी गुड़गांव में हुआ है, हरियाणा वायलेंस। तो यहाँ पे 31 जुलाई को और 1 अगस्त को हुई हिंसा के केंद्र में नुहू ही रहा। यहाँ की घटनाओं से जुड़ी 15 FIR दर्ज की जा चुकी हैं अभी तक। इसके अलावा गुड़गांव में 15 और पलवल में 10 मामले दर्ज कराए गए हैं। तीनों जिलों में हुई हिंसा घटनाओं के 6 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही निजी और सरकारी संपत्तियों का भी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि हिंसा की जो मेन वजह बताई जा रही है कि बजरंग दल की तरफ से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिस पर पत्थरबाजी के बाद हिंसा बढ़ गई। विस्तार में समझे तो नुहू में हिंसा की आग हरियाणा में कई शहरों पर पहुंची और धीरे धीरे देखते देखते कई जगह से सुनने में आने लगा कि हिंसा होने लगी है, और 6 लोगों की इस हिंसा में मौत हो चुकी है। जहां पे पलवल, सोहना और मानेसर और पटौती में इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर दी गई है। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने हिंसा के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन भी बुलाया गया है। और वहीं हिंसा को लेकर नुहू, गुड़गांव, पलवल जिले में घटनाओं में से जुड़ी 40 से ज़्यादा FIR दर्ज की जा चुकी हैं। अभी तक टोटल 144 जो है तो गिरफ्तारी की जा चुकी है और चल ही रही है। अब ये किस वजह से हुआ है इसका, ये तो अभी जांच का विषय है और पुलिस प्रशासन अपने काम में लगा है, और जल्दी ही किसी न किसी निष्कर्ष पे निकलेगी और पता चलेगा कि ये किस वजह से हुआ। लेकिन जो भी हुआ, ये ऐसी घटनाएं बहुत अप्रिय होती हैं और समाज में दो या वर्गों के बीच में हमेशा घृणा और नफ़रत और ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कि कम से कम हो।